शिवाय हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल jodiyarattna.com पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है रुद्राष्ट्र विषय में अलग जानकारी लेके आए हैं। जैसा कि आपको हमने बताया, वेब सीरीज रुद्राष्ट्र की वेब सीरीज, ये जो सीरीज बनने वाली है वो रुद्राष्ट्र के विषय में बनेगी। अलग अलग रुद्राष्ट्र के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और रुद्राक्ष कैसे होते हैं, ऑथेंटिक किस तरह के दिखते हैं और उनका बेसिक क्या बेनिफिट मिलता है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है दो मुखी रुद्राक्ष में कौन कौन से आते हैं, सबसे उत्तम कौन सा रहता है और उनका प्रयोग किस तरह से आप कर सकते हैं। तो कंटिन्यू बने रहे आज के वीडियो की तरफ, मैं ले चलता हूं वीडियो की तरफ। आज के जो वीडियो है वो दो मुखी रुद्राक्ष के विषय में। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं तो उत्तराखंड के हिमालयन के दो मुखी रुद्राक्ष होते हैं दोस्तों। ये उत्तराखंड के दो मुखी रुद्राक्ष आते हैं इस तरह के। इंडियन कैटेगरी आती है, इसमें नेचुरली हॉल होता नहीं है, इसको ड्रिल करके बनाया जाता है। 90% आज की डेट में अगर कोई रुद्राक्ष यूज कर रहा है दो मुखी, तो वो इस तरह के रुद्राक्ष यूज करते हैं। इसकी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, नॉर्मली जैसे मिडिल क्लास बंदा अगर लेना चाहता है तो इजीली ले पाता है। और ज़्यादातर मार्केट में जो इसके रूप में दूसरे रुद्राक्ष जो सेलिंग किए जाते हैं वो रामेश्वरम के आते हैं। अखरोट साइज में आपने दो मुखी बहुत सारे देखे होंगे दोस्तों। अगर एज ए अल्टरनेटिव आप यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जो मेन पावरफुल रुद्राक्ष माना जाता है दो मुखी वो नेपाल का होता है दोस्तों, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत थोड़ी हाई रहती है। रीज़न है कि उसका अवेलेबिलिटी कम है। जिस रुद्राक्ष की अवेलेबिलिटी कम होगी उसकी कॉस्ट होगी ज़्यादा। अवेलेबल ही नहीं नेचर, क्योंकि रुद्राक्ष बनाता कौन है, नेचर है, फ्रूट है, पेड़ के ऊपर फ्रूट लगता है, फ्रूट को जब पीलिंग करते हैं तब उसके अंदर से रुद्राक्ष निकलता है। तो सबसे इफेक्टिवल इस धरती पे अगर रुद्राक्ष माना जाता है वो माना जाता है नेपाल का सबसे बेस्ट रुद्राक्ष माना जाता है। लेकिन वहाँ पे जैसे 14 मुखी रेयर होता है, उसी तरह से 2 मुखी भी काफ़ी रेयर होता है दोस्तों। तो अवेलेबिलिटी उसकी कम होने के कारण, डिमांड ज़्यादा होने के कारण उसकी प्राइस रेंज काफ़ी हाई हो जाती है। तो एक मिडिल क्लास बंदे को दो मुखी अगर रुद्राक्ष वेयर करना है तो वो कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनको क्या चाहिए होता है एज अ अल्टरनेटिव, अगर कोई प्रीशियस जेमस्टोन नहीं यूज कर पाता है तो वो सेमी प्रीशियस जेमस्टोन में जाते हैं। जैसे पुखराज गुरु लेना है, अब गुरु नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, 50,000-60,000 का है, तो वो उनका जो अल्टरनेटिव है सिट्रीन टोपास वो वेयर कर सकते हैं टेम्प्रेरी बेसिस पे। जब उनको अच्छा रिजल्ट मिले तो फ्यूचर में वो उसको कन्वर्ट करके पुखराज के अंदर जा सकते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों रुद्राक्ष में भी होता है। रुद्राक्ष में कुछ अल्टरनेटिव होते हैं, कुछ मेन प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखा देता हूं तो जो 90% मार्केट में लोग वेयर करते हैं ये दो मुखी रुद्राक्ष वेयर करते हैं। इसके बाद इससे बड़े बड़े आपने देखे होंगे अखरोट के साइज के, बहुत बड़े बड़े होते हैं, रामेश्वरम साइड में होते हैं, वो प्योरली भद्राक्ष होते हैं दोस्तों। उसका जीरो इफेक्ट रहता है, तो काफ़ी सस्ते आते हैं और मिल जाते हैं इजिली आपको कहीं पर भी। तो आप अल्टरनेटिव के रूप में हिमालयन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छा है, वो इंडोनेशियन है, लेकिन इंडोनेशियन में आपको पूरी की पूरी माला वेयर करनी पड़ेगी। ये 108 दाने दो मुखी के हैं, सारे के सारे इंडोनेशियन है, इंडोनेशिया के साइज छोटी होती है। तो आप एज अ अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहते हैं या उत्तराखंड का दो मुखी यूज़ कीजिए या इस तरह की इंडोनेशियन की दो मुखी की पूरी माला, इंडोनेशिया की दो मुखी की पूरी माला को भी आप वेयर करके धारण करके एक अच्छा खासा मून रिलेटेड, दो मुखी जो रुद्राक्ष है रूलिंग प्लैनेट है वो मून है, चंद्र रिलेटेड अगर आपको कोई भी पावर बैलेंस करना हो तो आप दो मुखी रुद्राक्ष का डेफिनेटली प्रयोग करके काफी अच्छा लाभ ले सकते हैं दोस्तों। इसके साथ भी एक ऑथेंटिक लैब सर्टिफिकेट आपको हमारे यहाँ से प्रोवाइड होगा। दो मुखी लेंगे आप कोई भी लेंगे, और सबसे जो प्रीशियस रुद्राक्ष है दो मुखी में वो सबसे प्रीशियस अगर मैं कहूँ तो वो आता है नेपाल का, तो मैं उसके भी आप लोगों को तो दर्शन करवा देता हूँ दोस्तों। ये दो मुखी रुद्राक्ष है वो नेपाल का है, इसमें ओरिजिन लिखा हुआ आएगा नेपाल। इस तरह से तो छोटी साइज होती है लेकिन कॉस्ट काफ़ी हैवी हो जाती है कंपेयर टू दी अदर। तो ये अवेलेबिलिटी कम होती है जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसमें छोटी साइज में है, ये बड़ी साइज में है। अगर एक आपको अच्छा नेपाली रुद्राक्ष चाहिए, इंडोनेशियन चाहिए, आपको उत्तराखंड का हिमालयन का रुद्राक्ष चाहिए तो आपको हमारे यहाँ से ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अर्धचंद्राकार वन मुखी होता है, ये हाफ मून वन मुखी होता है, इसी तरह ये टू मुखी में ओवल शेप में आता है। ओवल शेप के अंदर आपको टू मुखी रुद्राक्ष मिल जाएगा जिसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं और टू ही सीड होते हैं अंदर की साइड, इसीलिए उसका टू मुखी का आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलता है। तो अच्छा, और एक ओरिजिनल रुद्राक्ष बाय करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, अपने व्हाट्सएप नंबर से 8308306969 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, टैक्स मैसेज करना है या कॉल लगाना है।
तो हमारे टीम में जो भी बंदा अवेलेबल होगा आप तक एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। और आपको कोई भी रुद्राक्ष के विषय में जानकारी चाहिए आप सिंपली उनको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, तो आप तक एक ऑथेंटिक जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच जाएगी। और आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते तो हमारी जो वेबसाइट है www.jodiacratna.com इस वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी हमारा जो एड्रेस है और वेबसाइट का लिंक वो शेयर कर देते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें कोई भी जानकारी चाहिए आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या जो हमारा संपर्क सूत्र है उसके माध्यम से भी आप हमें संपर्क करके रुद्राक्ष के विषय में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये वेब सीरीज का सेकेंड पार्ट आया है, इसमें भी थर्ड भी आएगा, फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा, सिक्स भी आएगा, मजे बहुत आने वाले हैं रुद्राक्ष लवर के। तो मजे बोले तो शानदार जानकारी, राइट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अगर कोई रुद्राक्ष लवर है उसको क्या चाहिए कि मुझे रुद्राक्ष कैसे पहचानना है, ओरिजिनल कैसा होता है, अगर ये राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है तो इससे बेटर और क्या होगा दोस्तों। तो कंटिन्यू बने रहे राइट इन्फॉर्मेशन और एक राइट नॉलेज के लिए, और एक परफेक्ट रुद्राक्ष बाय करना चाहते हैं तो यही प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक ऑथेंटिक रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।